नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की पहली नीलामी सोमवार के 7वें दिन में प्रवेश कर गई। इस दौरान जियो और एयरटेल समेत कंपनियां उत्तर प्रदेश पूर्वी सर्कल के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए बोली लगा रही हैं। इससे पहले रविवार को बोली लगाने के 6ठे दिन कुल स्पेक्ट्रम बिक्री 1.50 लाख करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर गई। अत्यधिक उच्च गति की इंटरनेट सेवा देने में सक्षम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के 6 दिनों में अब तक 1,50,130 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी है। रविवार को आयोजित 7 नए दौर की बोली में 163 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। दूरसंचार विभाग ने इस नीलामी में कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की पेशकश की है। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और के अलावा अडानी एंटरप्राइजेस भी शिरकत कर रही है। सोमवार को नीलामी का 7वां दिन है और फिलहाल 38वें दौर की बोली चल रही है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सोमवार को कहा कि उसने एक लग्जरी आवास परियोजना विकसित करने के लिए मुंबई में आधा एकड़ जमीन खरीदी है। कंपनी ने बताया कि इस जमीन पर विकसित होने वाली आवास परियोजना का अनुमानित बिक्री मूल्य 1,200 करोड़ रुपए है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने शेयर बाजार में बताया कि उसने मुंबई में कारमाइकल रोड के पास एक लग्जरी परियोजना विकसित करने के लिए जमीन खरीदी है। करीब आधा एकड़ में फैली जमीन को करमचंद थापर के सिटी समूह से खरीदा गया है। कंपनी ने कहा कि नई परियोजना की अनुमति बुकिंग मूल्य क्षमता लगभग 1,200 करोड़ रुपए होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के MD और CEO मोहित मल्होत्रा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में लग्जरी रियल एस्टेट की मांग मजबूत रही है और ये स्थान हमें बेहतरीन लग्जरी आवास विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कुछ दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक में भी प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 2.5 से 3.5% की वृद्धि कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर अंकुश के लिए केंद्रीय बैंक आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक पहले ही अपने नरम मौद्रिक रुख को धीरे धीरे वापस लेने की घोषणा कर चुका है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक 3 अगस्त से शुरू हो रही है। बैठक के नतीजों की घोषणा 5 अगस्त को होगी। खुदरा मुद्रास्फीति 6 मई से रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।